तो फ्रेंड्स मैं सुषमा तो फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में इस डिजाइन के बाद जो बैक पार्ट में हमने छोटी बुनाई का डिजाइन एडजस्ट किया गया है इसको एडजस्ट करना बताऊंगी कि इसे लेफ्ट और राइट पार्ट में कैसे एडजस्ट करना है क्योंकि फ्रंट के पार्ट में हमने इस एक डिजाइन को पट्टी के साथ साथ नेक तक बनाना है और फिर हमने उसके आधे फंदे में इस डिजाइन को एडजस्ट करना है तो सबसे पहले आप इसके बैक पार्ट पर ध्यान दीजिए ये देखिएगा फ्रेंड्स इसके बैक पार्ट में हमने बॉर्डर के बाद ये वाले ग्यारह डिजाइन बनाए हुए हैं ये एक डिजाइन आठ सिलाइयों में कम्प्लीट होता है तो ग्यारहवें डिजाइन की सात सिलाई कंप्लीट करने के बाद आठवीं सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने दस फंदे घटाए हुए हैं तो जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे वही ग्यारह डिजाइन बॉर्डर के बाद हमने ये बना लेने तो ग्यारह डिजाइन मैंने इस पार्ट में बना लिए हैं और ग्यारह डिजाइन इस पार्ट में बना लिए हैं ग्यारहवीं डिजाइन की सातवीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हुई है और सातवीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हुई है अब आठवीं सिलाई उल्टी साइड से पांच फंदे हम इस पार्ट में घटाएंगे और पांच फंदे इस पार्ट में घटाएंगे देखिएगा फ्रेंड्स ये जो एक डिज़ाइन है ये हमें पट्टी के साथ साथ रखना है तो जो फंदे हम घटाएंगे चार फंदे इन तीन पार्ट के बीच में घटाएंगे और एक फंदा जो हम पट्टी के और इस डिजाइन के बीच में ये वाला साथ साथ लेकर चल रहे हैं इसे हम यहाँ पर घटा देंगे ठीक ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में घटाना है तो अब जो हमारे पास यहाँ पर टोटल फंदे हैं क्योंकि इसके फ्रंट के पार्ट में मैंने 63 फंदे इस पार्ट में लिए और 63 फंदे इस पार्ट में लिए 63 में से 11 फंदे की बटन पट्टी और बावन फंदे में बॉर्डर डिजाइन को बनाया बॉर्डर डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जब इस डिज़ाइन को एडजस्ट किया तो एक फंदा यहाँ पर बीच में मैंने घटा दिया 11 फंदे की बटन पट्टी है और इक्यावन फंदे में हमने इस डिजाइन को बनाया यानी टोटल अब मेरे पास 62 फंदे इस पार्ट में हैं और 62 फंदे इस पार्ट में हैं अब यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये जो बीच का फंदा है इसके देखिए दो चार एक पाँच पांच फंदे ये और तीन से चार फंदे हमने और छोड़ देने हैं और बाकी के जो फंदे बचेंगे उनमें हमने चार फंदे घटाने हैं और एक फंदा यहाँ पर जो इस पट्टी के और इस डिजाइन के बीच में हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है वो हमने घटाना है तो अब मैं यहाँ पर पाँच फंदे बना लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पाँच फंदे बनाने के बाद यहाँ पर मैं दो का एक कर दूंगी तो एक फंदा यहाँ पर कम हो गया है अब मैं फिर से पाँच से छः फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच और ये छः और फिर से मैं यहाँ दो फंदे एक साथ लूँगी और दो का एक कर दूँगी फिर से मैं वही करूँगी लगभग छः सात फंदे बनाऊँगी देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः और दो फंदे का मैं यहाँ पर एक फंदा कर दूँगी आप सात फंदे भी बना सकती हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर सात बना लिए और उसके बाद आप दो का एक कर दीजिए तो तीन फंदे कम हो गए फिर से वही आप फंदे बनाइए देखिए और यहाँ पर मैं दो फंदे का एक कर दूंगी अब ये जो आगे फंदे बचे हैं यहाँ लास्ट में देखिए ग्यारह फंदे ये बटन पट्टी के और एक ये और एक ये यानी तेरह फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे मैं बना लेती हूँ आप बीच में इसी तरह से पाँच छः सात फंदे बनाकर दो का एक करके यहाँ तक चार फंदे इसमें घटा दीजिए तो ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ग्यारह फंदे बटन पट्टी के और दो फंदे मैंने ये रखे हुए हैं तो यहाँ पर मैं इन दो फंदे का एक कर दूंगी तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा तो टोटल इस पार्ट में हमारे पांच फंदे कम हो गए क्योंकि बैक पार्ट में हमने दस फंदे कम किए तो फ्रंट में भी हमें दस ही फंदे कम करने हैं लेकिन पांच एक पार्ट में और पांच दूसरे पार्ट में अब ये जो ग्यारह फंदे बच गए बटन पट्टी के इन्हें मैं बटन पट्टी के हिसाब से जैसे बनाते आ रही हूँ ऐसे ही बना दूँगी अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर मैं ये ग्यारह फंदे जो पट्टी के हैं इनको पहले बुन लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ग्यारह फंदे ये बटन पट्टी के मैंने बना लिए हैं अब यहाँ से हम एक डिजाइन ये वाला हमारा साथ साथ ऐसे ही चलेगा और आगे के जो फंदे बचेंगे उसमें हमने इस डिजाइन को बनाना है तो यहाँ से हम कैसे करेंगे देखिए एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे ऐसे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से सिलाई डाल के हम यहाँ दो फंदे का एक करेंगे देखिए अब ये दो का एक किया तो एक हो गया दो तीन चार पच सात और हमने ये बनाया आठ देखिए ये हमने धागा आगे करके दो का एक किया तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ अब एक और ये दो आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर दीजिए तो नौ फंदे हो गए धागा अपनी तरफ कीजिए और इस एक फंदे को आप सीधा बनाइए तो यहाँ तक ये हमारे एक डिजाइन के फंदे एडजस्ट हो गए हैं अब आगे जो फंदे बचे हैं इनमें हम डिजाइन बनाएंगे तो ठीक ऐसे ही बनाएंगे एक फंदा हम पहले नॉर्मल उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे पहले हमें दो सिलाइयों में ये डिजाइन ऐसे ही बनाना है तीसरी सिलाई पर वो डिजाइन शुरू होता है तो एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और ये एक सीधा इस तरह से करते हुए अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस पूरी सिलाई को मैंने यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लिया अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर जैसे हमने इसके बैक पार्ट में उल्टी साइड से एक बार जैसे बनाया था ठीक वैसे ही बनाएंगे क्योंकि जो फंदा यहाँ उल्टा आया वो यहाँ सीधा करना है सिर्फ एक बार उसके बाद तो पूरी सिलाई उल्टी जाएगी और जो यहाँ सीधा है वो यहाँ उल्टा बनेगा तो पहला फंदा सीधी साइड पर उल्टा है तो ये हमारा सीधा हो गया फिर धागा अपनी तरफ ये फंदा सीधी साइड पर सीधा है तो ये उल्टी साइड पर उल्टा हो गया ठीक ऐसे ही करते हुए अब हम देखिए यहाँ तक जो ये डिजाइन के फंदे हैं यहाँ तक हमें एक उल्टा एक सीधा करते हुए इनको बना लेना है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये एक उल्टा एक सीधा बना लिया है आपको यहाँ पर पहचान मिल जाएगी क्योंकि ये वाला जो फंदा होगा इसके ठीक आगे जाली होगी तो यहाँ से इधर के फंदे आपने ऐसे बुन लेने हैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह फंदे आपके सारे उल्टे बनेंगे और जो पट्टी के फंदे हैं वो पट्टी के हिसाब से बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पट्टी के फंदे मैंने बना लिए हैं अब आगे इस डिजाइन को कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा अब ये एक फंदा सीधा ये जाली वाला भी सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से सिलाई डाल के हम दो का एक कर देंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया अब एक दो तीन चार और ये पांच फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो दो फंदे हैं आगे की साइड से सिलाई डालकर दो का एक बना देंगे धागा अपनी तरफ ये जाली वाला और ये फंदा ये दो फंदे अब सीधे बनेंगे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ से अब ये जो छोटी बुनाई का डिज़ाइन है ये स्टार्ट होता है तो इसको कैसे करना है देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे ये जो सीधे वाला फंदा है जो सिलाई के ऊपर फंदा है इसको छोड़ देंगे नीचे वाले होल में सिलाई डाल के इसको सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे सीधे फंदे को हम ऐसे ही करेंगे सिलाई के ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले में सिलाई डालकर इसको सीधा बुन देंगे ठीक ऐसे ही करते हुए अब इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे अब आ जाइए इसके उल्टी साइड की सिलाई पर अब उल्टी साइड की जो सिलाई है ये पट्टी के फंदे से इधर के जितने भी फंदे हैं वो सारे उल्टे बनेंगे तो धागा अपनी तरफ किए और ये ग्यारह फंदे रहने तक ये सारे फंदे आप उल्टे उल्टे बना दीजिए तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके हमारे राइट पार्ट में ये वाला डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है और छोटी बुनाई का भी डिजाइन एडजस्ट हो गया है अब हमने इस पार्ट को ये जो बैक पार्ट का देखिए ये वाला जो हमने पार्ट बनाया है और जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है इसका आधा इंच इसकी लेंथ होने तक हमने इस पार्ट को अब ऐसे ही बुनते जाना है इसकी पट्टी वाली साइड ये डिजाइन चलता जाएगा और बाकी के फंदे में हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा अब आ जाइए इसके लेफ्ट पार्ट में अब हमने लेफ्ट पार्ट में भी ठीक ऐसे ही फंदे घटाने हैं एक फंदा तो हमने ये वाला घटा देना है जो हम इस पट्टी के और इस डिजाइन के बीच में एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं और चार फंदे हमने इतने पार्ट में घटा देने हैं तो अब हम क्या करेंगे ये वाले ग्यारह फंदे पहले पट्टी के बना लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ग्यारह फंदे मैंने ये पट्टी के बना लिए हैं अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर दो का एक करेंगे तो जो ये एक्स्ट्रा फंदा है ये यहाँ पर कम हो जाएगा अब ये दो का एक किया तो एक फंदा बन गया और बारह फंदे इस डिजाइन के इसमें क्योंकि बारह ये और एक ये तेरह फंदे हमें पट्टी के साथ साथ इस डिजाइन को बनाने के लिए चाहिए तो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह और तीन से चार फंदे मैं और बना देती हूँ तो देखिए एक दो और ये तीन अब जो ये फंदे बचे इसमें हमने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए चार फंदे घटा देने तो ये देखिएगा फ्रेंड्स इतने पार्ट में मैंने चार फंदे इधर घटा दिए हैं और एक फंदा इधर घटाने से पांच फंदे हमारे इस पार्ट में भी घट गए हैं अब हमने इसमें ठीक जैसे इस पार्ट में डिजाइन एडजस्ट किया है ऐसे ही इसमें करना है तो यहाँ से हम पहला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरह से करते हुए यहाँ पर तेरह फंदे रहने तक हमने ऐसे ही बुन लेना है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक के फंदे मैंने ऐसे ही बना लिए हैं एक उल्टा एक सीधा अब यहाँ पर ये हमारे तेरह फंदे इस डिजाइन के लिए हमने रख लिए अगर आपको ऐसे पहचान हो तो आप ये वाला जो देखिए जहाँ हम तीन का एक कर रहे थे ठीक इसके बीच वाला फंदा रहने तक आप उधर के बना लीजिए अगर आपको फंदे गिनने में दिक्कत हो रही हो तो ये देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस फंदे पर हम एक इधर से लेकर एक इधर से लेकर तीन का एक करते थे तो अब हमने क्या करना है धाके को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है और पीछे की साइड से सिलाई डालकर हम दो का एक करेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया तो एक फंदा बन गया दो तीन चार पाँच छः, सात आठ और ये वाला और ये वाला आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारे नौ फंदे हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे तो जो फंदा यहाँ घटाया वो जाली से वापस पड़ गया आगे पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें पट्टी के हिसाब से बना लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड की सिलाई बनाने के बाद उल्टी साइड पर ग्यारह फंदे जो पट्टी के हैं वो मैंने पट्टी के हिसाब से बना लिए हैं इस डिजाइन के तेरह फंदे हैं ये मैंने उल्टे बना लिए हैं अब यहाँ से ये जो हमने एक उल्टा एक सीधा बनाया था अब एक बार हमने उल्टी साइड से इनको ऐसे ही करना है जो यहाँ पर उल्टा है उसको यहाँ सीधा बना लेंगे जो यहाँ सीधा है उसको उल्टा बना लेंगे तो ये पहला फंदा जो यहाँ पर है ये सीधी साइड पर उल्टा है तो इसको हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ और एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने इसको ठीक ऐसे ही बना लिया है तो एक उल्टा एक सीधा इधर से हुआ था और एक उल्टा एक सीधा इधर से हो गया है अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर हम इस डिजाइन को सेट करेंगे तो पहला फंदा इसका उल्टा है धागा पीछे करेंगे सीधे वाले फंदे को ठीक वैसे ही बनाएंगे सिलाई वाले को छोड़ देंगे नीचे वाले फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालकर इसको हम सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे सीधे वाले फंदे को सिलाई वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले होल में सिलाई डालकर इसको सीधा बुन देंगे ठीक ऐसे ही करते हुए अब इस सिलाई को हम देखिए यहाँ तक बनाएंगे जहाँ से हमारा ये डिज़ाइन शुरू होता है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ तक बना लिया है अब यहाँ पर हमारे इस वाले डिज़ाइन के फंदे शुरू होते हैं तो एक बार इसे भी बना कर दिखा देती हूँ ये एक फंदा इसका सीधा जो जाली से फंदा बनाया इसे भी सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सिलाई डालकर दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ होना चाहिए और इसे हम दो का एक कर देंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया अब पांच फंदे और बनाइए एक दो तीन चार और ये पांच, एक और ये दो आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ये जाली वाला और ये सीधा इन फंदे को हम सीधा बनाएंगे आगे हमारे ग्यारह फंदे जो पट्टी के हैं उन्हें पट्टी के हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर देंगे तो इस सिलाई को मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर इस बार पट्टी वाले जो फंदे हैं वो पट्टी के हिसाब से बनाने हैं बाकी की पूरी सिलाई आपकी उल्टी जाएगी तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों ही पार्ट में हमारे डिजाइन एडजस्ट हो गए हैं ये वाला डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है और इधर वाली साइड में ये वाला डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है अब हमें इन दोनों ही पार्ट की जो इस डिज़ाइन को बुनते हुए जाना है ये देखिए ये जो आर्म होल की कटिंग की गई है इससे आधा इंच ये रहने तक हमने इसको इसकी लेंथ यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी क्योंकि जब हम हर ये आधा इंच इसकी लेंथ बच जाएगी तब हमने इसके साथ साथ ये वाला डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट करना है तो फ्रेंड दोनों पार्ट में दोनों डिजाइन एडजस्ट हो गई है अब आ जाइए इसकी बटन पट्टी क्योंकि बटन पट्टी अक्सर हमारी लूज हो जाती है वो सीधी नहीं रहती है अगर आपकी बटन पट्टी थोड़ी सी भी लूज होने लगे तो उसको आपने कैसे सेट करना है कि वो सीधी सीधी चले तो देखिए जैसे कि मेरी ये बिल्कुल सीधी जा रही इसमें मैंने लगभग यहाँ पर एक बार यहाँ एक बार यहाँ तीन से चार बार मैं इसमें शॉर्ट रोज कर चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं आपको इसकी शॉर्ट रोज़ करके दिखा देती हूँ कि कैसे करनी है यहाँ से लेकर ये जो हमारे ग्यारह फंदे पट्टी के हैं ये रहने तक डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को मैं यहाँ तक पहले बना लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर ले यहाँ तक क्योंकि दो डिज़ाइन है तो दोनों डिजाइन के हिसाब से मैंने फंदे बना लिए हैं ग्यारह फंदे ये बटन पट्टी के मैंने छोड़ दिए हैं और यहीं से मैं टर्न कर लूँगी क्योंकि जब भी आपको लगे कि बटन पट्टी वाली साइड थोड़ा सा इसमें झोल आना शुरू हो गया तभी आपने इसमें इसी तरीके से शॉर्ट रोज कर देनी है इससे यहाँ की दो सिलाई कम हो जाएंगी और यहाँ दो सिलाई ज़्यादा बन जाएंगी तो इसका जो लेवल है वो बराबर आ जाएगा तो यहाँ तक देखिए हमने यहाँ से सीधी साइड से बुनना शुरू किया और यहाँ तक इसे कम्प्लीट कर लिया है ग्यारह फंदे हमने ये छोड़ दिए हैं अब ये जो हमारे फंदे हैं इसमें से एक फंदे को बिना बुनाई हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और आगे फिर हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन के कम्प्लीट कर देंगे नेक्स्ट बार फिर हम अपने पूरे फंदे ऐसे ही बना लेंगे जब भी थोड़ी देर बाद जब यहाँ ले इसमें 10 से 20 सिलाई बनाने के बाद अगर आपको इसमें झोल दिखाई दे तो आप शॉर्ट रोज कर सकती हैं और अगर आपको लगे कि पट्टी में कोई झोल नहीं है सीधी बन रही है तो आपको इसमें शॉर्ट रोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने इस डिजाइन में अभी से कम से कम इसमें तीन से चार बार लगभग तीन बार पहले की थी और चौथी बार मैंने यहाँ पर इसमें शॉर्ट रोज की है क्योंकि इस डिजाइन के हिसाब से पट्टी में झोल आ रहा था तो पट्टी हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए इसके लिए मैंने शॉर्ट रोज की है तो आप भी इसमें इसी तरह से शॉर्ट रोज कर लीजिए तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स इस साइड मैंने शॉर्ट रोज कर दी है इस साइड में और इस साइड में डिफरेंट सिर्फ इतना आएगा इस साइड में हमने यहाँ से सीधा बुनना शुरू किया ग्यारह फंदे पट्टी के छोड़कर हम उल्टी साइड से टर्न कर गए हैं इस पार्ट में इतना होगा कि आप यहां से उल्टी साइड से इसको बुनना शुरू करेंगे ग्यारह फंदे पट्टी के छोड़कर सीधी साइड से यहां एक फंदा आप इस डिज़ाइन वाला स्लिप कर लेंगे और सीधी साइड की सिलाई को बुनता चले जाएंगे तो इसमें एक बार की शॉर्ट रोज हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से इसमें शॉर्ट रोज करनी है तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फ्रंट पार्ट में क्योंकि हमने आर्म होल की कटिंग करनी है और इसकी नेक की कटिंग करनी है और इस जैकेट में हमारी जो इसकी नेक की कटिंग की गई है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से की गई है तो मैं इसके आपको एक पार्ट में नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग सिखाऊंगी फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में दूसरे पार्ट की सिखाऊंगी क्योंकि नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू